नमस्कार, आप सबका स्वागत करते हैं विजन नॉर्थ ईस्ट टीवी में। हम लोग मौजूद है आज उमरांगसू में। उमरांगसू के बहुत फेमस पिकनिक स्पॉट है, ये है गोल्ड फील्ड उमरांगसू। और उमरांगसू जो प्राकृतिक परिवेश है उमरांगसू का, ये आप सभी को पता है वन ऑफ द बेस्ट पिकनिक स्पॉट ऑफ नॉर्थ ईस्ट असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। तो डिमा हसाओ एक बहुत खूबसूरत जगह है और इसमें नेचर ने भर भर के खूबसूरती बिखेरा है हर जगह पे, और इसी का एक उदाहरण आपके सामने मौजूद है। हम गोल्ड फील्ड में मौजूद है और गोल्ड फील्ड सबसे बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है सभी लोगों के लिए जो पिकनिक पसंद करते हैं, जो पिकनिक आना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पिकनिक पे पिकनिक का सीजन है और उमरांगसू के गोल्ड फील्ड में भीड़ भड़कम ना हो। तो आप, मैं सूरज मानतो मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक अपना चारों तरफ का परिवेश दिखाए कि किस तरह का माहौल है फिलहाल उमरांगसू में। आज रविवार है और हर रविवार को उमरांगसू के गोल्ड फील्ड में बहुत ज़्यादा भीड़ भड़कम देखने को मिलता है और उसी का एक दृश्य आपको दिखा रहे हैं हम। ये है गोल्ड फील्ड और गोल्ड फील्ड का चारों तरफ का जो नज़ारा है वो आप देख पा रहे हो। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत सारे लोगों का भीड़ है इस इलाके में। फिलहाल हम आगे जाकर दिखाएंगे आपको किस तरह का, कहां से लोग आए, किस किस जगह से लोग आकर उमरांगसू में मौजूद हुए हैं, वहां पर जाके आपको दिखाएंगे कि कहां से आए हैं और उमरांगसू में आकर उनको कैसा लगा। तो हम लोग मौजूद है एक स्कूल बस के सामने में और यहां पे मेरे साथ मौजूद है बहुत सारे बच्चे जो कहाँ से आए हैं। वे सब सबसे होजाई से आए हैं। होजाई से, हमारे पड़ोसी एक डिस्ट्रिक्ट से आए हैं ये लोग और उमरांगसू में पहली बार, शायद पहली बार आए हैं। उमरांगसू आए हो, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा लग रहा है क्या? सबसे बेहतरीन चीज़ क्या लगा उमरांगसू के अंदर? वो पानी लग रहा है, वाटर लग रहा है। बाकी माहौल अच्छा नहीं लग रहा है? माहौल अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप टीचर है, वैसे आपका ये है क्या, ये सारे बच्चे कहाँ से? मतलब ये मेन रीजन है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा लगा है। नहीं, मैं ये पूछ रहा था आप लोग जो है होजाई से है, हो जाए से है। क्या है बेसिकली, स्कूल है, कोचिंग सेंटर है क्या? कोचिंग सेंटर, स्कूल के स्टूडेंट भी है लेकिन ज्यादातर यह कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट है, आए हैं सर। तो आप लोग जो आए हो उमरांगसू में, तो आपको कैसा लगा फिलहाल माहौल कैसा? फर्स्ट टाइम आया है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको, आपको अगर मैं बोलूँ कि असम के अंदर सबसे बेस्ट प्लेस पिकनिक स्पॉट कहाँ है, बोलने से आपका जवाब क्या होगा? मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ इसलिए बेस्ट तो नहीं बोल सकता। ये है होजाई से एक टीम जो, जिससे हमने बात किया और उनका उनका जो उनका भी जो मनोदशा है वो भी जानने की कोशिश की है कि उमरांगसू गोल्ड फील्ड किस तरह का आपको किस तरह से एंटरटेन कर रहे हैं आपको। आप सारे एंजॉय कर रहे हो पूरा? सारे जोश में हैं क्योंकि एंजॉय का समय है, तो इनको हम एंजॉय के लिए छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, किसी दूसरे ग्रुप से बात करते हैं जाके उनको उमरांगसू कैसा लगा। लोगों का जमावड़ा थोड़ा सा कम है क्योंकि आज 31 दिसंबर है और ये आखिरी दिन भी है इस साल का 2023 का। तो कल से नया एक साल का आगाज़ हो रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने घर से आज नहीं निकलना भी सही समझा और बहुत सारे लोग जो है बाहर निकल के आए भी है और गोल्ड फील्ड में आकर अपना पिकनिक भी मना रहे हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। तो यहाँ पे मौजूद है सरस्वती विद्या मंदिर उमरांगसू से उनका स्टाफ है और फैमिलीज भी है, तो हम उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि उमरांगसू में गोल्ड फील्ड में खास करके एक बहुत फेमस पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पे लोगों का जमावड़ा किस लिए कम है और उन्होंने क्यों सोचा कि 31 दिसंबर को उमरांगसू में आना है। मुझे आप बताओ कि सबसे पहले कि गोल्ड फील्ड में इस बार जमावड़ा क्यों कम है? इस पर कम है मतलब स्पॉट बहुत ज़्यादा है ना, पानी मोड़ हो गया, 29 वाटरफॉल हो गया, 3 किलो में नया नया अभी रिजॉर्ट बना है, उसके लिए मतलब पीपल स्कैटर हो गया। हर टाइम तो सब गोल्फ में आता है लेकिन अभी नया नया जगह निकलने के बाद ज़्यादा आदमी बाहर जाने मांगते हैं, वही है। तो वहाँ से भी गोल्ड फील्ड आते हैं, तो गोल्ड फील्ड आने के बाद क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि पिछले 2-3 सालों बहुत सालों से तो ये रास्ता बहुत लंका वाला रोड बहुत ख़राब था, अभी ठीक भी हो गया है। उस हिसाब से देखा जाए तो इस बार ज़्यादा लोग होना चाहिए था लेकिन कॉम्पेटिवली यहाँ पे इस बार कम लोग दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है? आज शायद कम हुए हैं क्योंकि 31st नाइट को शायद सब घर में ही मनाएंगे और 1st जनवरी यानी अगले कल मतलब आएंगे यहाँ, मुझे लग रहा है ऐसे। मैं इसी उम्मीद में रही हूँ कि आएंगे लोग यहाँ कल। आपको क्या लगता है, आपने इससे पहले भी बहुत सारे स्पॉट में आपने विजिट किया होगा, पिकनिक खाया होगा, आपने देखा होगा, तो आपको क्या लगता है सबसे सुविधा मतलब एक पिकनिक के लिए जो भी एक माहौल चाहिए वो सबसे बेस्ट प्लेस आपको क्या लगता है असम के अंदर? ये ज़रूरी नहीं है कि आप गोल्ड फील्ड बोलो, या अगर है तो बोल भी सकते हो। ऐसे तो बहुत सारा लेकिन गोल्ड फील्ड अच्छा है क्योंकि स्पेस ज़्यादा है। हाँ, स्पेस ज़्यादा है यहाँ।
तो इनका एनालिसिस है कि लोग गोल्डफील्ड सच में यह सही बात है कि गोल्डफील्ड में आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, जिसके वजह से आपको पिकनिक में ना वो एक गैदर नहीं होता, वो जो क्लैश होता है ना वो नहीं होता है। आप बहुत सारी जगहों पे जाओगे तो बहुत छोटी छोटी जगहें मिलती हैं आपको पिकनिक खाने के लिए, वहाँ पे स्पोर्ट की बहुत दिक्कत होती है, लेकिन उमरांगसो में बहुत फैला हुआ एक बहुत बड़ा सा एक फील्ड मिल जाता है, जिसके वजह से आपको बहुत बड़ा एक पिकनिक स्पोर्ट मिल जाता है, एक स्पेस मिल जाता है, आपको बहुत फ्रीडम मिलता है, बहुत सारा पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये इसी हिसाब से देखा जाए तो असम के अंदर बेस्ट पिकनिक स्पॉट के हिसाब से आपको आप गोल्डफील्ड को कंसीडर कर सकते हो। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं इस बार आज 31 दिसंबर है, आखिरी दिन है 2023 का, और 24 जब नया एक साल का आगाज़ होगा उसमें गोल्डफील्ड में भी बहुत सारे नए पर्यटक और बहुत सारे पिकनिक स्पॉट पिकनिक पार्टीज उमरांगसो को विजिट करने आएंगे। विजन नॉर्थ ईस्ट टीवी देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।